दोस्तों, अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया है लेकिन आपको अभी तक इसका स्टेटस नहीं पता चला कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं और आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है और अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से खराब हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की मदद से आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे पता कर पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में इनकम टैक्स ई फिलिंग टाइप करके सर्च करना है और इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लिंक ओपन होकर आ चुकी है इनकम टैक्स की। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों पूरा जो है इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रंट पर ही लिंक योर पैन विथ आधार का हमको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टेटस चेक करने का तरीका बता रहा हूं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे जैसे आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेकेंड ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होकर आएगा जहां पर आपको दो तरह के नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि है पहला पैन नंबर और दूसरा आधार नंबर। तो जो भी आपका पैन नंबर है वो आपको यहां पर डाल देना है। तो मैं यहां पर अपना पैन नंबर डालकर आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से आपका पैन नंबर है उसी तरह से आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार नंबर है नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। दोस्तों, पैन वाले बॉक्स में पैन नंबर और आधार वाले बॉक्स में आधार नंबर डालकर आपको नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस का एक बटन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हैं मुझे मैसेज मिल चुका है योर पैन जो भी पैन नंबर है इज ऑलरेडी लिंक टू गिवेन आधार, जो भी आधार नंबर है। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे पता चल गया कि मेरा पैन कार्ड मेरे आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है और मुझे दोबारा से इसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने फ़ोन से स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं तो इस वीडियो की मदद से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको मैसेज में शो करेगा कि आपका जो पैन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से या आधार नंबर से लिंक नहीं है। और यहाँ पर लिंक आधार का एक ऑप्शन भी मिलेगा, वहां पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल के बाद आपका जो है पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो शेयर कीजिए ताकि लोग पता कर सके अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंकिंग स्टेटस को और समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।